दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि एक सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, उन बेनिफिट्स को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, फैमिली को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को हम बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ में, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। और यदि आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं यहाँ पर ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में दोनों ही कैटेगरी के सरकारी कर्मचारी यानी कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी और ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को के जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम में कवर्ड हैं, यदि उनकी इन सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में कवर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले उन बेनिफिट उनको मिलने वाला है कि जो रहेगा फैमिली पेंशन, फिर मिलेगा डेथ ग्रेच्युटी, उसके बाद में जो जीपीएफ में जमा पैसा है वो यहाँ पर दिया जाएगा, फिर लीव इन्वेस्टमेंट भी दिया जाएगा, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जिसे कि CGEGIS भी कहा जाता है उसका लाभ फैमिली को मिलेगा, और CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस, ये छह बेनिफिट्स। और इसके अलावा फैमिली को यहाँ पर अनुकंपा के आधार पर भी नौकरी मिलती है जो कि एक सेपरेट बेनिफिट है, लेकिन पेंशन रूल्स के हिसाब से ये बेनिफिट्स एक फैमिली को मिलने वाले हैं, इनके बारे में आगे जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद में जो एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में कवर्ड सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले फायदे के बारे में, तो यहाँ पर अब कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी जिसकी सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी अब सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही फैमिली पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए सरकारी कर्मचारी को एक ऑप्शन चुनना होगा जिसके बारे में हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो फैमिली पेंशन यहाँ पर दी जाएगी, उसके बाद में डेथ ग्रेच्युटी भी यहाँ पर मिलेगी, फिर लीव इन्वेस्टमेंट का फायदा भी यहाँ पर मिलेगा, CGEGIS का फायदा भी मिलेगा और CGHS का फायदा भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये पांच बेनिफिट्स यहाँ पर एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो ये तो रहे बेनिफिट्स जो कि एनपीएस और ओपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी की यदि इन सर्विस यानी कि अपनी सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को मिलने वाले बेनिफिट्स। अब यहाँ पर इन बेनिफिट्स को लेने के लिए फैमिली को क्या करना होगा, कौन कौन से फॉर्म्स यहाँ पर भरने होंगे उसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि फैमिली पेंशन लेने के लिए फैमिली को फॉर्म नंबर 14 फिल करना है। उसके अलावा डेथ ग्रेच्युटी का लाभ लेने के लिए फॉर्म नंबर 12 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स, ये दोनों ही कैटेगरी के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके फैमिली मेंबर्स को भरना है। उसके बाद में लीव इन्वेस्टमेंट, CGEGIS, GPF, इसके लिए किसी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में CGHS का लाभ लेने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है वो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को भरना होगा यदि वो CGHS कवर्ड एरिया में रहते हैं उस कंडीशन में। तो ये आपको काम करने हैं। और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट आपको सबसे पहले बनवाना है, उसी के बेस पर सारा जो क्लेम है वो आगे प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सरकारी कर्मचारी के जो बेनिफिट हैं जिसमें फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी, इसे यहाँ पर भविष्य सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कि ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू प्रोसेस किया जाएगा। बाकी सारे जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि लीव इन्वेस्टमेंट, GPF का पैसा, CGEGIS और CGHS, इसके लिए किसी प्रकार का जो ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, ये सारे बेनिफिट्स जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसके द्वारा प्रोसेस किए जाएंगे यानी कि उनके द्वारा इसका भुगतान सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को किया जाएगा। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। फिर बात आती है यहाँ पर कि फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी इसके बारे में। तो फैमिली पेंशन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेगा यहाँ पर सरकारी कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र, उसके बाद में जो क्लेमेंट है यानी कि जो क्लेम कर रहा है उस बंदे का पैन नंबर फैमिली मेंबर का और उसका फोटोकॉपी, उसके बाद में क्लेम कर रहा है उसके सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट यानी उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर चाहिए होगी। अब पासबुक का कॉपी ले लें, फिर एड्रेस प्रूफ आप एक ले लें, आपका आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ जो कि मान्य हो वो आप ले लें। उसके बाद में दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ ले लें खुद के, फिर यहाँ पर दो स्पेसिमेंट सिग्नेचर आपको लेने हैं कि जो क्लेम यहाँ पर बंदा कर रहा है फैमिली मेंबर उसके
सिग्नेचर, और उसके बाद में खुद के जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि आपका हाइट कितना है, आपका वेट वगैरह कितना है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स यहाँ पर आपको लिखने हैं, और उसके बाद में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब आप फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर रहे हैं। और इसके लिए जो फॉर्म नंबर 14 पहले बताया गया उसको आपको फिल करना है और सबमिट करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डेथ ग्रेचुटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डेथ ग्रेचुटी के लिए सर्विस जो सरकारी कर्मचारी है उसका डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा, और उसके बाद में जो नॉमिनी है उसका बैंक डिटेल, पैन नंबर रह चाहिएगा यहाँ पर नॉमिनी का, और एक यहाँ पर सेपरेट क्लेम फॉर ईच नॉमिनी, यदि एक से अधिक नॉमिनी है तो सबके लिए अलग अलग क्लेम क्लेम यहाँ पर करना है। जैसे कि वाइफ का अलग रहेगा, बच्चे का अलग रहेगा, बेटे का अलग रहेगा, बेटे का अलग रहेगा, तो जितने नॉमिनी है सबको अलग अलग यहाँ पर क्लेम करने हैं डेथ ग्रेच्युटी के लिए। फैमिली पेंशन के लिए जो सबसे पहले स्पाउस का नंबर आएगा उसे यहाँ पर क्लेम करना है, और बाकी जो बेनिफिट्स हैं जैसे कि लीव इनकेसमेंट, सीजी, जीआईएस, जीपीएफ, उसके लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, एक सरकारी कर्मचारी का डेथ सर्टिफिकेट, और रहेगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ क्लेमेंट, यानी कि जो यहाँ पर क्लेम कर रहा है उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर चाहिए होगी। फिर यहाँ पर आपके जो लीव इनकेसमेंट और जीपीएफ के बेनिफिट्स हैं इन सभी को इमीडिएटली आपका हेड ऑफ द ऑफिस जो है उसके द्वारा सेंक्शन कर दिया जाएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करते हैं, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारा जो जीपीएफ का पैसा है, लीव इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स के खाते में इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ भी वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर बात आती है कि फैमिली पेंशन कब मिलेगी और डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान कब किया जाएगा, इसके लिए क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है उसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि जो फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान है वो भविष्य पोर्टल के थ्रू ही यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन ये सारा जो क्लेम है वो हेड ऑफ द ऑफिस को करना है, उसे ही इसे प्रोसेस करना है। फैमिली मेंबर को सिर्फ अपना जो क्लेम है वो एचओडी को सबमिट कर देना है, उसके बाद में सारी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि एलिजिबल फैमिली मेंबर का जो फॉर्म बताया आपको, एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म नंबर 14 और 12, वो दोनों प्राप्त कर लेना है फैमिली मेंबर से, और उसमें जो डिटेल्स हैं उनको फिलअप करना है भविष्य पोर्टल पर, और पोर्टल पर करने के बाद में ये काम जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, और उसके बाद में भविष्य पोर्टल के थ्रू ही एचओडी के द्वारा आपकी जो डिटेल्स हैं, आपका जो एप्लीकेशन है, उसे पे एंड अकाउंट ऑफिस को भेजा जाएगा, और साथ में जो हार्ड कॉपी आपने सबमिट की हैं उनको भी हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा पे एंड अकाउंट ऑफिस को भेजा जाएगा। उसके बाद में पे एंड अकाउंट ऑफिस आपका जो क्लेम है उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी कि सीपीएओ के द्वारा आपका जो क्लेम है उसे भेज दिया जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर सीपीएओ के द्वारा पेंशन भोगी को फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ इश्यू यहाँ पर किया जाएगा, और फैमिली मेंबर की पेंशन यहाँ पर शुरू की जाएगी। और सेम जो कॉपी है आपके पीपीओ की, वो एक कॉपी आपने जो बैंक दी है उस बैंक को भेज दी जाएगी, और उस बैंक के द्वारा आपकी फैमिली पेंशन यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। तो ये प्रोसेस रही फैमिली पेंशन की, किस तरीके से फैमिली पेंशन आपकी शुरू होगी, लेकिन फिलहाल इसमें यहाँ पर टाइम लग रहा है क्योंकि जो अधिकतर ऑफिस हैं वो कम स्टाफ के साथ में काम कर रही हैं इसलिए। लेकिन अब सरकार ने ये भी कहा गया कि मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियमों में को थोड़ा सा बदल दिया है, नियमों में थोड़ा सा लचीलापन दिया है, और जब तक फैमिली मेंबर्स को रेगुलर फैमिली पेंशन नहीं मिलती तब तक यहाँ पर प्रोविजनल फैमिली पेंशन दिए जाने का आदेश भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि रूल नंबर 80A ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत यदि एक फैमिली मेंबर अपना डॉक्यूमेंट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर देता है, लेकिन किसी वजह से उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाती है, या चाहे डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो या फिर अन्य कोई वजह हो, तो उस तारीख तक फैमिली मेंबर्स को प्रोविजनल फैमिली पेंशन का भुगतान हेड ऑफ द ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। यानी कि यदि कोई दिक्कत यहाँ पर आ रही है तो एचओडी के पास में ये पावर रहेगा कि वो एक प्रोविजनल फैमिली पेंशन की जो राशि है जो कि सरकारी कर्मचारी के लास्ट पे ड्रॉन के 30% से ज़्यादा नहीं होगी, उसके बराबर अमाउंट उसमें लिख कर दे देगा, और वो जो अमाउंट है पेंशन की राशि हो जाएगी, और उसका भुगतान फैमिली मेंबर्स को जब तक उनकी रेगुलर पेंशन सैंक्शन नहीं की जाती है तब तक मिलता रहेगा। यदि कुछ कमती या फिर उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान भी एरियर के रूप में कर दिया जाएगा, यदि ज़्यादा पेंशन का भुगतान कर दिया गया तो उसकी रिकवरी भी आगे आने वाले समय में कर दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एक सरकारी कर्मचारी चाहे वो एनपीएस में हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसकी यदि सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को मिलने वाले बेनिफिट्स जो कि मिलेंगे, और किस तरीके से आपको क्लेम करना है
ये भी आपको वीडियो में बता दिया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।